नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पाल मिश्री ज्ञान चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे संतान प्राप्ति में समस्या और उपाय। सबकी एक इच्छाएं होती हैं, सबकी एक सपना होता है कि शादी के बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है कहीं ना कहीं बच्चे की प्राप्ति के लिए होता है, बच्चे के सुख के लिए होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ये वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए सबसे पहले देखते हैं कि समस्या बनती कहाँ पे है और इसका समाधान कैसे निकलता है। सबसे पहले जब संतान की बात होती है तो हम अपने वीनस माउंट को देखते हैं। ये शुक्र का पर्वत इसको बोलते हैं, ये शुक्र का पर्वत है। शुक्र का पर्वत जो होता है ये दब जाए, और इसमें दबने का संकेत है। दबने का मतलब है कि आपके अंदर की एनर्जी जो हो रही है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर जोश की कमी आ रही है। इच्छाओं को मार देना, इच्छाओं को दबा देना, कहते हैं ना कि इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाना। अगर शुक्र का माउंट दब जाए या इसमें बुरे चिन्ह बन जाए तो उस चीज की प्रोसेस को खत्म करता है। जैसे जी जन्नांग वाले पार्ट में वीर्य का ना बनना, स्पंद का ना बनना, ये सारी दिक्कतों को दिखाता है। और ये दिक्कतें काफी गंभीर समस्या का रूप लेती है। अगर आपके हाथ में ऐसा शुभ चिन्ह है तो हम कह सकते हैं उपाय के द्वारा समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। अब ये शुक्र का पर्वत दब गया या शुक्र के पर्वत पे नीले रंग का धब्बा हो गया या नीले रंग का आपका शुक्र पर्वत हो गया तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सिस्टम को वीक दिखाता है। और इसी के साथ अगर कुछ ये लक्षण है जो आपके शुभ संकेत को दिखाते हैं, अगर ये शुक्र के माउंट के साथ है, ये हमारी फिंगर के साथ एक ऐसी रेखा बने, ऐसी रेखा बनती है, तकरीबन ये रेखा सभी के हाथों में बनती है, और यहां पे दीप बन जाए, दीप बन जाए, ये दीप, अगर ये दीप बनता है तो आप समझ लो बच्चे की प्रोसेस बनेगी आपके आपके लाइफ में, बच्चों का सुख की प्राप्ति का योग लिखा है। अगर ये जितना बड़ा दीप होगा उतने आपके स्ट्रोंग बनते हैं बच्चे का कारण कि बच्चे का योग बन रहा है। अगर ये दीप बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं पुत्र की प्राप्ति को दिखाता है, और ये दीप छोटा होगा तो ये कहीं ना कहीं कन्या प्राप्ति को दिखाता है, लेकिन दिखाता अवश्य है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखें तो हम इस शुक्र के माउंट पे यहां पर आड़ी रेखाओं को लेते हैं, सीधी रेखाओं को, जितनी बड़ी रेखाएं होंगी मजबूत स्थिति में होंगी तो वो आप बच्चे की प्राप्ति का, पुत्र की प्राप्ति का योग दिखाता है, और जितनी छोटी और बारीक लाइनें होंगी वो कन्या संतान प्राप्ति का योग दिखाता है। लेकिन इसके बाद अगर आपका माउंट दबा है शुक्र में वीकनेस है या हाथ आपका नीले रंग का है तो कहीं ना कहीं इंटरनल पार्ट में दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं। अगर इसी के साथ इच्छा शक्ति से एक रेखा काटती है, ऐसी रेखा काटती हो, मतलब जन्नांग पार्ट को वीक कर देती है, बच्चे की सुख की प्राप्ति को खत्म कर देती है, लेकिन इसके साथ अगर ये रेखाएं बनी है, ये रेखाएं छोटी है बारीक है तो इसको हमारे होरा शास्त्र में प्रसरिषि होरा शास्त्र में महर्षि प्रसर जी ने इसका वर्णन किया है कि अगर संतान प्राप्ति का सुख चाहते हो तो जैसे कि हमारे कुंडली में पंचम भाव पीड़ित होता है तो बच्चे का न सुख पाना दिखाता है, इसी प्रकार से अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जो कि भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे की सुख की कामना के लिए, तो इसमें आप संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल के मंत्रों का पाठ कर सकते हो या उनके मंत्रों का जप कर सकते हो या जैसे भगवान विष्णु की मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः का पाठ कर सकते हो, नियमित रूप से कर सकते हो, या विष्णु सहस्त्र
नाम का मंत्र का पाठ कर सकते हो। इन मंत्रों से कई समस्याओं का समाधान देखा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें और इसके माध्यम से आपको एक और जानकारी मिलने वाली है। और अभी तक आप सबने इस वीडियो को देखा है, सराहा है, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।